आपका चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी कल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी के क्या एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर आर। फर्स्ट पॉइंट इसका इंक्रीज न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड क्रॉप्स, जो फसलें हैं उन फसलों के पोषक मान में वृद्धि करना, इसका मेन फंक्शन है। नेक्स्ट है इम्प्रूव टेस्ट टेक्सचर ऑफ फूड, जो खाद्य पदार्थ है तो खाद्य पदार्थों का टेस्ट और टेक्सचर में टेक्सचर को इंक्रीज करना बायोटेक्नोलॉजी का मेन फंक्शन है। तीसरा नंबर रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड एंड अदर एग्रोकेमिकल, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत किसी भी प्लांट्स के लिए अदर फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड और अन्य एग्री केमिकल पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन ऑफ नोवल सब्सटेंसेस सच एज वैक्सीन, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ वैक्सीन को तैयार किया जाता है इन क्रॉप प्लांट फसली पौधों के माध्यम से। तो आज का टॉपिक बस यही है।